हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आज मैं बिरयानी बनाया हूँ जो कि चिकन कलेजी का है। और देखिए कितना बेहतरीन ऊपर का नज़ारा है, और जितना ऊपर का बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, उतना ही अंदर का भी नज़ारा है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा हमारा अंदर से भी रेडी है। तो आइए आज मेरे स्टाइल में दोस्तों कलेजी का बिरयानी बनाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनता है दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों कि आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो आइए मेरे स्टाइल में आज चिकन की लीवर की बिरयानी बनाते हैं, मीन्स चिकन लीवर बिरयानी बनाते हैं, जिसे हम चिकन कलेजी बिरयानी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, चिकन लीवर बिरयानी के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ हाफ के जी से मीन्स 600 ग्राम हमारा यहाँ चिकन का लीवर है, और मैंने इसे अच्छे खास से धो लिया और देखिए साफ कर लिया है। साफ करने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस कर लिया। तो आइए सबसे पहले अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें अब हम मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम नमक का यूज़ करते हैं इसमें। तो आप स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। नमक डालने के बाद मैं इसमें एक कटोरा दही डाल रहा हूँ। लगे दही फ्रेश है, आप भी फ्रेश दही लीजिएगा, खट्टी दही मत लीजिएगा। तो दही डालने के बाद दोस्तों मैं इसमें हाफ नींबू का रस डाल दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ 5 हरी मिर्च, और यहाँ मैंने 6 से 7 लहसुन के कलियाँ काटा था, उसे मैंने चाकू से फ्रेश कर लिया है। आप चाहें तो चॉप कर सकते हैं। यहाँ 2 मीडियम साइज का टमाटर को मैंने काट लिया। और उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगा दोस्तों। तो आइए मसाले में क्या है कि हम अपने अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ मसाले भरपूर मात्रा में लिया हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ काली मिर्च लिया है कि जो कि 1/2 टीस्पून से ज़्यादा है, और यहाँ 1 टीस्पून लाल मिर्च है कश्मीरी, और यहाँ 3 पिंच मैंने गरम मसाला लिया है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून से ज़्यादा हल्का सा, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ मैंने मिंट फ्लेवर लिया है जिसे हम पुदीने की मिंट है, सूखी हुई पत्ती, आप चाहें तो धनिया पत्ती यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने यूज़ किया है ज़ीरा, हल्की सी पत्ती है, यहाँ दालचीनी है, 3 लवंग या 4 लवंग ले सकते हैं, 2 मैंने छोटी इलायची लिया है, काली मिर्च लिया 8-10, यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया है, और काली मिर्च मैंने आपको पहले बता रखा था। तो अब क्या करते हैं इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे डालने के बाद दोस्तों अब क्या करते हैं इसमें बरिस्ता भी डालेंगे हम। तो मैंने क्या किया कि 2 प्याज को मीडियम, ये देखिए हमारा 2 प्याज को मैंने बरिस्ता बना लिया है। तो आइए इसे हाफ मैं अभी डालूंगा, और बाकी हाफ जो है वो जब हम क्या बोलते हैं उसे ऊपर जब हम लेआउट करेंगे तब बरिस्ता का भी यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ हाफ बरिस्ता डाल दिए। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं इसे। तो दोस्तों ये देखिए जो हमारा चिकन लीवर है, जिसे हम कलेजी भी बोलते हैं, इसे हमने बहुत अच्छा मैरिनेट कर दिया है। अब इसे मैं 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा, क्योंकि अभी हुआ है दोपहर हमारे साइड, और मैं इसे शाम को रात को बनाऊँगा। तो अभी बच गए हैं 3, और मैं इसे बनाऊँगा 9, तो बच गया 6 घंटे के बीच गैप। तो 6 घंटे में काफ़ी अच्छी ये मैरिनेट हो जाएगी। आप चाहते हो तो हाफ एन आवर काफ़ी है, आप चाहें तो रख सकते हैं, बट जितने आप लेट रखेगा उतना ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो आइए मैं इसे अब रख देता हूँ, मैरिनेट करके कर लिया हूँ, अब इसे 6 घंटे के लिए फ्रीज में रख लेते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं 6 घंटे के बाद। तो दोस्तों ये देखें हमारा मैरिनेट किए हुए 6 घंटा हो गया है। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं हमारा बिरयानी। तो मैं एक कढ़ाई लेता हूँ दोस्तों, और कढ़ाई में डालता हूँ हल्की सी तेल। और ये देखिए मैंने आधे घंटा पहले मैंने यहाँ इस बासमती चावल को अच्छे से साफ करके और छोड़ दिया था भिगा कर फूलने के लिए, और ये काफ़ी अच्छा
फूल चुका है, तो आइए अब हम दोनों को एक साथ पकाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक कढ़ाई लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें तेल डाल दिया है, और मैंने इधर भी कढ़ाई ले लिया, इसमें भी तेल डाल के पहले इसको पानी को गर्म करते हैं। जब पानी गर्म हो जाएगा तो चावल इसमें बनाएंगे। और फिलहाल हम हल्की सी जीरा डाल देते हैं, और हल्की सी जीरा डालने के बाद जो हमारा लीवर है चिकन का उसे भी डाल देते हैं और इसे पकाते हैं, क्योंकि अभी इसमें से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा छूटने वाली है। तो पहले हम इसे स्टू बना लेंगे, मॉइस्चर को कम कर लेंगे और इसे पका लेंगे, फिर उसके बाद हम चावल को भी पका लेंगे, फिर उसके बाद हम लेआउट करके दम रेडी कर लेंगे। तो फिलहाल आइए, फिलहाल तो हम इसे पका लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा इसमें भी अच्छे खासे पकना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम इसे ग्रेवी नहीं रखेंगे, इसको स्टू बनाएंगे। तो जितना सूख सकता है आप सुखाइए, और इसमें हमारा बॉइलिंग आ चुका है। तो आइए अब चावल को डाल देते हैं इसमें और 85% हम पकाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो कलेजी है वो सूख चुका है उसका ग्रेवी, और यहाँ हमारा 85% पक चुका है। तो आइए इसे हम पहले छान लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं हमारे चावल को, और गैस हमने बंद कर दिया है कलेजी का। तो आइए अब इसे छानने के बाद हम लेआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कलेजी और ये चावल जो कि मैंने स्ट्रेन से छान लिया है। अब चलिए तो लेआउट करते हैं दोस्तों। तो आइए आई थिंक हम दो लेयर बनाएंगे या एक लेयर, देखते हैं। चावल तो ज़्यादा नहीं है तो हम पतला पतला दो लेयर बना लेते हैं। तो चावल ज़्यादा ना होने के कारण मैं इसी कढ़ाई में बनाया। अगर आपके पास चावल ज़्यादा है तो बड़े कढ़ाई भी यूज़ कीजिएगा जो कम्फर्टेबल हो, हालांकि कम चावल के लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो आइए इसके ऊपर अब हम कलेजी रखते हैं। तो दोस्तों कलेजी डालने के बाद वापस से मैं फिर डाल देता हूँ अपना जो चावल है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने लेआउट बना लिया, लेयर इसका बना लिया। तो आइए अब इसके ऊपर फूड कलर, अगर आप चाहते हैं तो फूड कलर डालिए, नहीं चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। मैं इसमें दो फूड कलर डालूंगा, एक तो रेड कलर और एक सैफ्रॉन कलर। तो आइए इसके ऊपर हम फूड कलर डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए फूड कलर डालने के बाद जो हमने बरिस्ता को रख रखा था उसके ऊपर हम डाल देते हैं, और बरिस्ता के ऊपर आप चाहें तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है इसीलिए मैंने पुदीना का सूखी हुई डाला था। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बरिस्ता डालने के बाद दोस्तों अब इसे हम दम पे रखेंगे, और दम हमारा कम से कम आधा घंटा के लिए होगा, और जो कि बहुत ही स्लो पे होगा। तो आइए स्लो पे हम आधा घंटे के लिए रख देते हैं दम पे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आधे घंटे के बाद। तो दोस्तों ये देखिए आधे घंटे के बाद देखिए हमारा जो लीवर की जो बिरयानी है, जो जिसे हम कलेजी बिरयानी भी बोलते हैं, काफ़ी अच्छा बन चुका है। और ये देखिए कितना, आपको भी दिख ही रहा होगा कितना बेहतरीन बना है, मेरे को तो मुँह में पानी आ रहा है दोस्तों। तो आइए आप इसे हम निकालते हैं दोस्तों, मैं अब इसे वेट नहीं करूंगा, अब इसे डिसआउट करते हैं और इसे मैं खाने चला। तो आइए इसे निकाल लेता हूं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो लीवर की बिरयानी है वो बन के तैयार है, और हमारा लीवर भी इधर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और हम इसे रायते के साथ खाएंगे, कद्दू के रायते के साथ, सॉरी खीरे के रायते के साथ। तो मैं इसका भी रेसिपी जल्दी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर के साथ स्मेल आ रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छे बन चुके हैं, और ये दाने दाने के बाद आपको दाने दाने में दिखा हुआ है, जिसे बताते हैं कि केसर के दाने दाने में है स्वाद, वही वाली हाल है। तो आइए आप ज़रूर इसे बनाइए, बना के मुझे कमेंट करिए दोस्तों, और जैसा कि हमेशा बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं पड़ता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।